हमने आयरन लेडीज के हवाले से बात की, ऐसी जबरदस्त खवातीन के हवाले से बात की, तो वो मुझे ना फिर वो पाकिस्तानी तीन बहने हो तो वो बेंजामिन सिस्टर्स का कंसेप्ट माइंड में आ जाता है. सो हमारे दरमियान बहुत टैलेंटेड खवातीन मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में रोशन कर रही है. महविश, सहरिश और महनूर. और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जूनियर लिटिल स्टार्स ने ऑस्ट्रेलिया जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में जो पाकिस्तान की दो बहनें हैं और उनके साथ साथ जो और पांच खिलाड़ी हैं उन्होंने भी टाइटल जीते हैं. और ये जो 14वीं ओशियाना जूनियर ओपन मेलबर्न स्क्वाश चैंपियनशिप थी इसमें पाकिस्तान का नाम रोशन किया. इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि सहरिश अली अंडर 15 पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर भी हैं और एक दफा फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने तमगा हासिल किया है, तो क्यों ना हम उनसे बात करें कि उन्होंने इस इवेंट की तैयारी कैसे की और इस इवेंट के लिए मेहनत कितने की. अस्सलाम वालेकुम सहरिश. It's really good to see teen bhene, strong bhene, jinko hum power puff girls bhi keh sakte hain ki jis tarah Pakistan ka naam roshan kar rahi hain. Aur obviously is young age mein sports ke maidan mein hum pehle bhi aapko feature karte rahe hain ki jis tarah aapne pehle bhi Pakistan ka naam roshan kiya hai, achhi player rahi hain. Abhi kaisa mehsoos ho raha hai dobara se championship jo hai apne naam ki hai aapne aur phir Pakistan ka naam roshan kiya hai? फाइनल जीतने के बाद हमें यही लगा कि हम पाकिस्तान के लिए एक टाइटल लेकर जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, वो भी ईद के मौके पर. तो हमने ईद का तोहफा दिया है सबको और बहुत खुशी हो रही है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाए और कुछ करेंगे आगे जाकर भी इंशाल्लाह. अच्छा, बाकी जो दोनों हैं वो उन्होंने एक तो पाकिस्तान का जो पहला इवेंट था खासतौर पर उसमें टाइटल हासिल किया है और ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है कि पाकिस्तान का डेब्यू या मेडन टाइटल हासिल करना और वो भी स्क्वाश के लिए और इतनी कम उम्र में. थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कितनी मेहनत रही इस पूरे इवेंट की तैयारी के लिए. बहुत टाइम से हमारी इस इवेंट की तैयारी चल रही थी, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की और उसका सिला भी मिला हमें. और हमने बहुत टफ टफ फाइट्स हुई हमारी, बहुत अच्छी अच्छी प्लेयर्स थी वहाँ पे. तो फाइनल में भी जो सहरिश का भी बहुत अच्छा मैच रहा था, 3-2 हुआ था और इसका भी फाइनल बहुत अच्छा मैच रहा था. मेरे भी सारे मैच बहुत टफ थे लेकिन क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी तो हम लोग जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाल्लाह आगे भी जीतते रहेंगे इसी तरह के बड़े टूर्नामेंट्स. अच्छा महविश, अगर हम बात करें, हम ऑब्वियसली आपके हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम में इस पर बात की है कि आपने बहुत से चैंपियनशिप्स, बहुत से जो टाइटल्स हैं पाकिस्तान के नाम किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आना और फिर ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑब्वियसली हम रूटीन में प्रैक्टिस के लिए नहीं जाते, नए आपके आपको जो चैलेंजेस भी होते हैं, नई टैक्टिक्स भी होती हैं, नई गेमिंग स्ट्रैटेजीज भी होती हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद उतना हम डिवेलपिंग स्टेज पे हैं स्क्वाश में, तो क्या चैलेंजेस थे, क्या आपकी खासतौर पर ट्रेनिंग में क्या ऐसा था कि आप इंटरनेशनल लेवल के जो नई टैक्टिक्स हैं, नई ट्रिक्स हैं, गेमिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो सीख सके? ऑनलाइन सीखती थी, कोई कोच है आपके यहाँ पे जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो नेशनल सतह पर खेलना हम कहते हैं कि हमारे टारगेट ही नहीं है, हम इंटरनेशनल सतह पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम टाइटल लेना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए. तो उसके लिए आपको और भी मेहनत करनी होगी और उसके लिए जो टेक्निक से आपको ट्रेनिंग करनी होगी वो बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, डाइट की और साथ में ट्रेनिंग, साथ में आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए. तो इसलिए हमारे जो कोच है वो हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं. और हाँ, जैसे सब कहते हैं कि बाहर वर्ल्ड के सारे कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं स्क्वाश में, लेकिन मैं कहती हूँ अगर हम कोशिश करें तो हम अभी भी आगे जा सकते हैं. और वो फैसिलिटीज अगर वो प्लेयर्स को दे तो ज़रूर वो आगे जा सकते हैं, हम उनसे बेहतर खेल सकते हैं, उनसे बेहतर हम आगे परफॉर्म भी कर सकते हैं. तो हमने ट्रेनिंग प्रोफेशनल वाली की और इंटरनेशनल वाली ट्रेनिंग की हमने, साथ में बाबा ने हमारी बहुत हेल्प की, बाबा ने बहुत गाइड किया हमें और हम रोजाना अपने मैचेस वगैरह पूरा सेटिंग हमारी बनी होती है तो हम उसको देख देख के अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे जाके हम फिर उस गलतियों को नहीं दोहराते और फिर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं.
जबरदस्त। और हम देखते हैं कि महानूर ने भी एक तारीख रकम की है और इसके साथ साथ सहरिश ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, तो हम दोनों से जानना चाहेंगे कि वो अपने इवेंट के बारे में और थोड़ा सा इस इवेंट में जो टफेस्ट कंपटीशन थे उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि कौन सा मुकाबला ज़रा सख्त था। हमारे बहुत ज़्यादा टफ टफ मैचेस हुए जिसमें ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड थे, मलेशिया थी और जापानीज भी थी जिससे मैं हार गई अनफॉर्चुनेटली। 3-2 बहुत ज़्यादा क्लोज मैच था, लेकिन बैड लक कह सकते हैं या फिर, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ मैचेस हुए हमारे। हम ऑस्ट्रेलिया से जीते, न्यूजीलैंड से जीते, मलेशिया से जीते, बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस गए और अल्हम्दुलिल्लाह से वन टाइटल लेकर आई, मैं ब्रॉन्ज पोजीशन लेकर आई। सही, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप तीनों बहनें ने जो पोजीशंस लेके आई, टाइटल्स लेके आई, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13। अब जरा मैं अपनी हमनाम महानूर से जानना चाहूंगी जिन्होंने अंडर 13 में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। महानूर, यू आर द यंगेस्ट वन अमंग द सिस्टर्स, और क्या बड़ी बहनें इंस्पिरेशन है, और या आपने देखा होगा कि ये प्रैक्टिस करने जाती हैं तो साथ खुद प्रैक्टिस करने चली जाती हैं, या आपका प्रॉपरली गोल शुरू ही से रहा है कि स्क्वाश की चैंपियनशिप जो है अपने नाम करनी है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल? मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और एक हिस्ट्री बनाऊं जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है स्क्वाश की, उसमें पहले किसी ने टाइटल्स नहीं लिए लड़कियों में। तो मैं चाहती हूं कि मैं और मेरी दोनों बहनें, हम तीनों हिस्ट्री बनाए पाकिस्तान के लिए और ऐसे टाइटल्स लाए जो पहले किसी ने ना लाए हो, और ताकि हमें देख के और भी प्लेयर्स लड़कियां देख के वो भी मोटिवेट हो और वो भी आगे इसी तरह की मेहनत करें और इस तरह के टाइटल्स लें। मेरा बचपन से शौक था और मेरे स्क्वाश बहुत पसंद था। मुस्कुरा नहीं रही, आपने जरा शरारतें नहीं की हैं आज, जो उनको आपने परेशान नहीं किया है, बहुत दोनों सीरियस हैं। इतना बड़ा इवेंट जीत कर आई हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और या फिर अगले इवेंट की तैयारी साथ ही शुरू हो गई है, कुछ प्रेशर नजर आ रहा है ना आज? बिल्कुल, और लेकिन महानूर बड़ी चिल्ले हैं। अगले इवेंट की तैयारी हमारी स्टार्ट है, लेकिन हम लोग जैसे ये स्पॉन्सर्स, पहले तो मैं स्पॉन्सर का थैंक यू करूंगी कि वो लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बार्ट फाउंडेशन और उसको सफायर फाउंडेशन, ताकि अगर, क्योंकि वो लोग अभी ना होते तो हमें ये मेडल्स नहीं मिलते। तो थैंक यू सो मच, हम इस तरह सपोर्ट करते रहे, और मैं अपने कोचेस को भी बहुत थैंक यू कहूँगी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और मैं मम्मा पापा की दुआ है, और अगले इवेंट में भी इंशाल्लाह इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सही हो गया, महानूर ने तो अपना विजन बता दिया। सहरिश और महविश, आप लोगों ने भी तारीख रकम की है, आप आगे किस इवेंट की तैयारी कर रही हैं, किसके लिए प्रिपरेशंस कर रही हैं, किसके लिए प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ताकि उसमें भी जाएं और मेडल्स पाकिस्तान के नाम लेकर आए। हमारे नेक्स्ट इवेंट सिंगापुर और मलेशिया है, जिसके लिए हम लोग मेहनत स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे नेशनल्स चल रहे हैं अंडर 15 के कराची में। जब हम ये नेशनल्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सिंगापुर और मलेशिया के लिए मेहनत स्टार्ट करेंगे और उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रहे हैं। चले, ये सहरिश बता रही है, महविश से पूछ रहे थे हम, और हमें महानूर ने भी नहीं बताया कि क्यों आज इतना सीरियस है सब लोग, इतना बड़ा इवेंट जीता है, सबने अपनी अपनी कैटेगरीज पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कामयाबी हासिल की, और अगली इवेंट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइटर नोट कि क्या रीजन है हमारे प्लेयर्स जो है वो आज कराची स्टूडियोज में है, या फिर अगले इवेंट की तैयारी अभी से सख्ती शुरू हो गई है कोचेज की जानिब से, या फिर तीनों बहनों के हिस्से का आज मैं ही मुस्कुरा रही हूँ? नहीं, ऐसा है कि हम लोग अगले विन की तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा अभी अंडर 15 के नेशनल चल रहे हैं, तो अभी हम लोग कराची में हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे जैसे ये टूर्नामेंट ओवर हो, फिर पेशावर जाएंगे, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन करेंगे। मेरी फैमिली वाले, मम्मा भी बहुत वेट कर रही होंगी, तो फिर हम लोग जैसे ही मतलब ये सब कुछ, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो, इंशाल्लाह पोजीशन आए,
तो फिर इंशाल्लाह हम लोग फिर अगले टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक महीना होगा, तो फिर वही सारी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे टूर्नामेंट बहुत मज़ा आता है, लेकिन जैसी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो बस कुछ हो जाता है, अब दोबारा ट्रेनिंग, फिर दोबारा टूर्नामेंट, जीतने में ज़्यादातर मज़ा आता है, ट्रेनिंग में इतना नहीं। वही बात है, जीत का तो मजा ही है, और है ब्रेक भी मिल जाता है ना। बिल्कुल जनाब, और फिर वो सेलिब्रेशंस का पीरियड भी चलता है। मैं विश यू बीइंग द एल्डेस्ट वन, आप देना कि आपने एक स्टार्ट की, एक ट्रेंड सेट किया घर में, और क्या आपका गोल है, स्क्वाश को आपने फील्ड लेकर चलना है अपने, आपने इसी फील्ड में नाम बनाना है, या क्योंकि यू आर अंडर 17 तो फिर होता है कि कुछ एज तक हम खेलेंगे और उसके बाद जो है विल डू समथिंग एल्स। आपका क्या विजन है स्क्वाश को लेके, आपका क्या विजन है स्पोर्ट्स को लेके, किसी और में भी, क्योंकि आप यू आर वेरी यंग, तो इसमें किसी और स्पोर्ट्स में भी आपने लक आजमानी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, या स्क्वाश के साथ स्टिक रहना है? स्टार्टिंग तो हम जूनियर से लेते हैं, क्योंकि अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 तक हमारा जूनियर लेवल मतलब होता है, उसमें इतनी कंपटीशन होती है लेकिन इतनी टफ नहीं होती। लेकिन 15 के अबव से अभी जब मैं स्टार्ट ले रही हूँ, मैं PSA स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपने वर्ल्ड रैंकिंग बनानी होती है सीनियर में, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपने फिर बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलना होगा जो कि 19 से भी अबव सीनियर टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आते हैं, उनके साथ आपने खेलने होंगे, उसके बाद आपकी रैंकिंग बनेगी, फिर इसी तरह रैंकिंग बना बना के आपने टॉप 10 में, टॉप 5, फिर नंबर 1, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ भी। तो मैं पूरी मेहनत करूंगी कि मैं उसमें भी अपना फ्यूचर बनाऊं, और हम मेहनत करते रहेंगे, बाकी दुआएं हैं सबकी, मम्मा पापा की, आप सबकी, तो हमें सपोर्ट करते रहे, दुआ करते रहे हमारे लिए, और इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट देंगे। चलिए, सैरिश है दरमियान में मौजूद, तो सैरिश से जानते हैं। सैरिश, अगर आपको मुकाबला करना पड़े तो दोनों में से कौन ज्यादा मुश्किल प्लेयर होंगे आपके लिए, माहनूर या फिर महविश? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे। तीनों चाहेंगे। मेरे लिए मुश्किल प्लेयर मैं कहती हूँ माहनूर होगी, क्योंकि उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी है और वो टेक्निकल खेलती है, और सैरिश जो है वो उसका स्टेमिना अच्छा है, तो दोनों में कहती हूँ मेरे लिए टफ है, मैं किसी को भी हल्का नहीं लेती अगर मैं इनके साथ गेम खेलूँ, तो मुझे पता है कि सैरिश कैसा खेलती है और माहनूर कैसा खेलती है, क्योंकि हम बैलेंस जिनको लेकिन अच्छी पार्टी होती है, तो कुछ कह नहीं सकते, कभी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यही वो कॉन्फिडेंस है जो क्योंकि नया दिन है, नया गेम है, और हर एक दिन नया चांस भी होता है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अगर कभी मौका मिलेगा मैच भी देखेंगे, और फिर जानेंगे कि किसी एक कंपटीशन में तीनों मैंने एक साथ पार्टिसिपेट करी, यहाँ पर कैटेगरीज नहीं होंगी, और वो नेशनल लेवल का इवेंट होगा या फिर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होगा, खैर अभी तो बहुत सारी कैटेगरीज बन गई है, तो हैप्पी इस कैटेगरी सिस्टम से, जो कैटेगरीज में आपको अंडर 15 अलग प्लेयर्स है, अंडर 17 अलग प्लेयर्स है, मैं विश माहनूर और हमारे साथ सैरिश मौजूद है, एट द एंड कोई शॉर्ट सा मैसेज को ये ध्यान देना चाहे फॉर द लेडीज आउट देयर जो बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग है और स्क्वाश खेलना चाहती हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम क्या खास कर लड़कियों को, कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में, आप इसी फील्ड में जाओ आगे, आप मेहनत करते रहे, अगर आप मेहनत करो तो उस फील्ड में आप जरूर जरूर कामयाब होंगे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, बस आप मेहनत करते रहे।
बहुत ही प्यार आपके बहनों का हमारे आप इस तरह से